सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्लूड द ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल से कुछ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स जनरेट होते हैं, विच आर दी NADH एंड FADH2। ये जो दोनों हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स हैं, ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जंप करते हैं फॉर द फर्दर ऑक्सीडेशन। तो जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पंप करते हैं थ्रू द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड ऑक्सीजन इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिससे कि बाद में वाटर की सिंथेसिस होती है। तो आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिटेल में स्टडी करेंगे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज लिपिड बायलेयर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सभी कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2 इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 3 इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, एंड कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, एंड कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। नाउ मूव टू द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये NADH को ऑक्सीडाइज करता है इनटू NAD पॉजिटिव एंड 2 हाइड्रोजन आयंस। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, इनको प्रोटॉन्स भी बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 में सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक प्रोटोन पंप जनरेट करती हैं। तो इस प्रोटोन पंप की वजह से जो प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में बनते हैं, वो आगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जंप करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 में 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट इज FMN एंड सेकंड इज FES। सबसे पहले जब NADH की ऑक्सीडेशन होती है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले FMN में मूव करते हैं और उसके बाद ये पास होते हैं FES में। सो कॉम्प्लेक्स 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ 4 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। FES से ये इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं UQ में, विच इज अ यूबिक्विनोन, और यूबिक्विनोन के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर मूव होते हैं UQH2 में, विच इज अ यूबिक्विनोल। फिर उसके बाद UQH2 इनको फर्दर ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 3 में 3 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट इज साइटोक्रोम बी, सेकेंड इज FES, एंड थर्ड इज साइटोक्रोम C1। अब सबसे पहले UQH2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम बी में, फिर यही 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर होते हैं FES में, और फाइनली ये ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम C1 में। नाउ मूव टू द कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 FADH को ऑक्सीडाइज करता है FAD+H+ में, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स 2 है, इसके पास 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट इज FAD एंड सेकेंड इज FES। सो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं FAD में, उसके बाद FAD आगे इलेक्ट्रॉन्स को पंप करता है FES में। FES से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स UQ में मूव होते हैं। UQ इज अ कैरियर विच इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। UQ से ये इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर UQH2 में ट्रांसफर होते हैं, और फिर UQH2 से ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 में पास होते हैं, विच इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली साइटोक्रोम B में पहले जाएंगे, उसके बाद FES में मूव करेंगे, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये साइटोक्रोम C1 में मूव करेंगे। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है साइटोक्रोम C, विच इज अ मोबाइल कैरियर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं UQ में। UQ फिर रिड्यूस हो जाता है इनटू UQH2। अब ये जो UQH2 है, ये दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा UQ में, और यहां से 2 प्रोटॉन्स निकलेंगे। अब कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स को UQ में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स 1 से और 2 कॉम्प्लेक्स 2 से प्रोटॉन्स निकलेंगे, तो टोटल 4 प्रोटॉन्स हो गए यहाँ पे। तो जो कॉम्प्लेक्स 3 है, अब ये 4 प्रोटॉन्स को बाहर पंप करता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। नाउ साइटोक्रोम सी इज अ मोबाइल कैरियर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रांसफर करता है कॉम्प्लेक्स 4 में। कॉम्प्लेक्स 4 के पास 4 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं, तो सबसे पहले साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं कॉपर ए में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम ए में, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जंप होते हैं साइटोक्रोम A3 में, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं कॉपर बी में।
ऑक्सीजन इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. जब हाफ ऑक्सीजन एंड टू एच पॉजिटिव कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है. कॉम्प्लेक्स फोर में सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से कि प्रोटोन पंप जनरेट होता है. इस प्रोटोन पंप की वजह से कॉम्प्लेक्स फोर टू प्रोटॉन्स को पास करता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में. तीन है कॉम्प्लेक्स फाइव दैट इज एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स. इसमें दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज एफ नॉट एंड सेकेंड इज एफ वन. जो एफ नॉट है ये प्रोटॉन्स को पंप करता है मैट्रिक्स में. जब प्रोटॉन्स दोबारा मैट्रिक्स में पंप होते हैं तो जो एफ वन है इसमें रोटेशन होती है. तो जब एफ वन में रोटेशन होती है तो इससे एटीपी की सिंथेसिस होती है. एफ वन कॉम्पोनेंट में अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स होते हैं. जब एफ नॉट कॉम्पोनेंट हाइड्रोजन को पंप करता है तो इससे गामा सब यूनिट में रोटेशंस होती हैं. जब गामा में रोटेशंस होती हैं तो जो अल्फा बीटा सब यूनिट्स हैं इनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं. तो जब बीटा सब यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं तो ये एडीपी को टाइटली बाइंड करता है पीआई के साथ और इससे एटीपी की सिंथेसिस होती है.